केवल उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं भैया। 4 जून को आप रिजल्ट देखिएगा किस प्रकार से यहाँ से उनकी विदाई होगी, मतलब जो है किस प्रकार से विदाई होगी। केएल शर्मा फिर 5 साल फिर नहीं मुंह दिखाने आएंगे यहाँ पर। अरे केएल शर्मा तो परिवार बता रहे हैं कि मेरा नाता, मेरा रिश्ता, मेरा जुड़ाव तो उस जमाने से, जिस जमाने में स्मृति ईरानी कभी राजनीति में नहीं आई होंगी। इसके पहले ये 5 साल कहाँ थे, जब वो हार गए थे मतलब जो है, तो ये केएल शर्मा कहाँ चले गए थे, क्यों नहीं आए, मतलब उनके राहुल गांधी के हारने के बाद में जो है देश में उसकी सरकार बनेगी जो भारत माता की जय कहने पर जिस पार्टी को बुरा ना लगे, जिस पार्टी को भारत माता कि जय कहने पे बुरा नहीं लगता उसकी देश में सरकार बनेगी। क्योंकि देश अब मामेठी वालों के लिए देश प्रथम है। मोदी की सरकार बनने जा रही है, दुनिया की कोई ताकत उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकता। मोदी को रोक रहे हैं राहुल गांधी, सवाल ही नहीं। स्मृति ईरानी जा रही है, केएल शर्मा आ रहे हैं। नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। उन्होंने हमेशा के लिए यहाँ पर मकान बना लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। सबसे चर्चित सीट अमेठी, आखिरकार अमेठी की जनता इस बार क्या करेगी। 14 में स्मृति ईरानी को हरा दिया था, लेकिन 19 में स्मृति ईरानी को जिता दिया, लेकिन 24 में किसको जिताएगी। आखिर स्मृति ईरानी जीतेंगी या फिर राहुल गांधी के खास, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी के खास केएल शर्मा यहां से अब की बार सांसद बनकर दिल्ली पहुंचेंगे। सीधा जनता से बात करते हैं। बाबा जी नमस्कार। खुश रहे भैया, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, ओके। अच्छा ये बताइए, आपकी अमेठी से राहुल गांधी तो अब चले गए और 20 मई को चुनाव भी होना है और केएल शर्मा साहब यहाँ पर प्रत्याशी भी हैं, तो अमेठी की जनता सोच क्या रही है इस चुनाव पर? एक चीज हम आपसे बता दें जी, आज नहीं अब बहुत पहले से इस स्मृति ईरानी जी दीदी बन करके पूरे अमेठी जिले में घर घर गांव गांव पहुंच रही हैं। और जो विकास उन्होंने यहां पर किया है वो हमने, मेरी 72 ईयर्स मतलब उम्र है, और मैंने वो विकास मतलब पहले कल्पना नहीं की थी कांग्रेस के राज में। अब आपको बताएं हम कि कांग्रेस के राज में क्या था, 303 तक अपने देश में नहीं थी। आप अभी बच्चे हैं, चाइना से युद्ध हुआ, हमारे पास हथियार नहीं थे, तो जो कुछ हुआ है ये मोदी पीरियड में ही हुआ है। और आज हमारा देश तीसरी मतलब जो है वो बनने की उस पे पहुंच रहा है, 5 हाँ शक्ति बनने की जो है शक्ति। बिल्कुल भैया, और विश्व में हमारे देश का कितना सम्मान हो गया। नहीं मैं देखता था, मैं तो मतलब जो है देश के साथ जुड़ा रहा, इसलिए मेरी उम्मीद रही। मैं हमेशा टीवी में और उसमें मैं देखा करता था कि वो क्या नाम ये अपने पहले वाले मनमोहन सिंह अमेरिका जाते थे तो यूँ मुंह बना करके खड़े होते थे, जैसे मालूम पड़ता था कि इनको किसी ने मारा पीटा हो, बोलने की हिम्मत नहीं थी उनकी जो है। और आज मोदी जी जाते हैं, गरजते हुए जाते हैं और उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, कितना हमारा सबका सीना चौड़ा हो गया मतलब गर्व से, मतलब जो है। नहीं हम भीख मांगने के लिए जाते विदेशों में, हमारे पास कोई हथियार नहीं था। वो तो कह रहे कांग्रेस ने सुई से लेकर हेलीकॉप्टर हवाई जहाज तक बनाया, मोदी आए देश बेच दिए। कुछ नहीं, मोदी ने देश बेचा ही नहीं, जो देश बेचा कांग्रेस ने ही बेचा है। मोदी का तो एक पैसा ना खाएंगे ना खाने देंगे। हाँ हम लोग मतलब जो यहाँ पर आए हुए हैं कोई पैसे से नहीं आए हुए, अपने पास से पैसा खर्च करते हैं और खा पी करके देखो यहीं से मतलब जो है आपके सामने खड़े हैं। लेकिन हाँ, कह रहे हैं आपकी बार यहाँ से दीदी हारेंगी, उधर से राहुल भैया बनने सांसद। केवल उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं भैया। 4 जून को आप रिजल्ट देखिएगा किस प्रकार से यहाँ से उनकी विदाई होगी, मतलब जो है किस प्रकार से विदाई होगी। केएल शर्मा फिर 5 साल फिर नहीं मुंह दिखाने आएंगे यहाँ पर। अरे केएल शर्मा तो परिवार बता रहे हैं कि मेरा नाता, मेरा रिश्ता, मेरा जुड़ाव तो उस जमाने से, जिस जमाने में स्मृति ईरानी कभी राजनीति में नहीं आई होंगी। इसके पहले ये 5 साल कहाँ थे, जब वो हार गए थे मतलब जो है, तो ये केएल शर्मा कहाँ चले गए थे, क्यों नहीं आए, मतलब उनके राहुल गांधी के हारने के बाद में जो है। हाँ अब आज फिर जुड़ गए जो यहाँ करके, केवल वोट के समय आ गए बस। राहुल गांधी स्टार हैं, काहे के स्टार है, गठबंधन के स्टार है राहुल भैया। एक चीज मैं बता दूं, इसीलिए तो गठबंधन सारा जुड़ नहीं रहा है, गठबंधन हो ही नहीं रहा है। जहां राहुल रहेंगे वहां गठबंधन हो ही नहीं सकता है। हाँ राहुल गांधी नहीं जा रहेंगे, गठबंधन नहीं होगा भैया। इनको कोई पसंद नहीं करता है, इनको कोई पसंद नहीं करता, इनके पास उतनी क्षमता नहीं है संचालन की, उतनी मतलब इनके पास आकलन नहीं है। अब 55 साल के अंदर जिसके पास ये क्षमता ना हो देश का संचालन कैसे करेगा वो। अब आप 55 साल का बता रहे हैं, वो तो कह रहे हैं युवा राहुल गांधी। युवा राहुल गांधी काहे के हैं, मोदी जी की देखी देखा दाढ़ी रखा लिया, सारे बाल तो दाढ़ी के पके हुए हैं उनके। वो 55 साल के हो गए भाई, युवा गांधी कहाँ है वो। अच्छा
युवा गांधी नहीं है? अरे कुछ नहीं है भैया, सांसद कुछ नहीं है, वो नथिंग है, बता रहे हैं नथिंग नहीं है, नथिंग है भैया। कहीं से नथिंग हो गए? अमेठी से भी और वहाँ रायबरेली से भी। वो तो कह रहे हैं आपकी बार प्रधानमंत्री का चेहरा देख रही है कि अगर एक आध सीट जीत गए तो प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ। कहाँ से बनेंगे बताइए आपको हमको। क्या भाई साहब कह रहे हैं बाबा, एक आध सीट जीतेंगे राहुल गांधी तो कह रहे हैं आपकी बार जा रही है भाजपा। भाजपा का कहे जाएगी, भाजपा तो आ रही है, थी है और रहेगी, भाजपा थी है और रहेगी। कह रहे भाजपा ना थी, बीच में आई, अब चली जाएगी। भाजपा है, भाजपा ही रहेगी, दीदी ही जीतेंगी। दबदबा है, दबदबा है। हाँ कह रहे अमेठी तो जा रहे हैं और रायबरेली भी जा रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली में भी हारेंगे, यहाँ भी हारेंगे, कांग्रेस वहाँ भी हारेगी, यहाँ भी हारेगी। यहाँ तो कह रहे केएल शर्मा को भेजा है, अब की बार ऐसा बनाकर भेजा है कि दीदी अब की बार सोचेंगे कि क्या हो गया ये चुनाव में। 20 तारीख को चुनाव हो जाएगा, 4 को रिजल्ट आ जाएगा, 21 तारीख को केएल शर्मा भी चले जाएंगे जहाँ से आए हैं, और राहुल गांधी भी चले जाएंगे, फिर ये 5 साल नहीं दिखेंगे। और ये स्मृति ईरानी जी है, ये बराबर जनता के बीच में बनी हुई है, जब से सांसद है, नहीं तो कम से कम 500 बार आई होंगी। 500 बार? हाँ, बराबर बनी है यहाँ पे। राहुल भैया अब तो घरे बनाए, राहुल भैया को हमने देखा ही नहीं है कैसे। राहुल को देखा आपने? राहुल भैया, राहुल भैया को नहीं देखा कभी, नजदीक से नहीं देखा, हम कहीं गए नहीं, पूरे जिले में मतलब नहीं गए। हाँ, पहले उनके जमाने में जब संजय गांधी थे तो विदेशी कलाकार सब आते थे, उनके बीच में घूम करके अमेठी से गुजर जाते थे, गौरीगंज से। उसके बाद उन्होंने जनसंपर्क कभी नहीं किया है। देखिए 24 का चुनाव है भाई साहब, आपसे बात करेंगे, आप व्यापारी भी हैं, यहाँ लगातार लोग बैठे भी रहते हैं, क्या कहेंगे, किसकी सरकार बना रहे हैं देश में? देश में उसकी सरकार बनेगी जो भारत माता की जय कहने पे जिस पार्टी को बुरा ना लगे, जिस पार्टी को भारत माता की जय कहने पे बुरा नहीं लगता, उसकी देश में सरकार बनेगी। क्योंकि देश अब हम अमेठी वालों के लिए देश प्रथम है। बस तो भारत माता की जय तो अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे हैं, ममता दीदी भी बोल रही हैं, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, प्रियंका दीदी भी, पूरी इंडिया को पता है सर कि भारत माता की जय कहने पे, वंदे मातरम कहने पे किस पार्टी को, कौन कौन सी पार्टियों को बुरा लगता है और किस पार्टी को बुरा नहीं लगता। तो आप ही बता दो खुलकर कैमरा पर। आपको भी पता है सर, पूरी इंडिया की, पूरे भारत की जनता को इस बात का पता है कि भारत माता की जय कहने पे किसको बुरा लगता है और किसको नहीं लगता। दादा से पूछेंगे भाई साहब, दादा ये बताइए, बड़े भाई बोल रहे हैं कि भारत माता की जय बोलने वाले को वोट देंगे, तो कौन है भैया जो भारत माता की जय बोला है, कौन है जो आपत्ति कर रहा है? ये वाली एक पार्टी है बीजेपी, जो भारत माता की जय, वंदे मातरम की और जय श्री राम। हाँ, और बाकी जय श्री राम। हाँ, हाँ भाई साहब नमस्कार, क्या हाल है? हम नहीं बता सकते कुछ। क्यों नहीं बता सकते? सबके कपड़े प्रेस कर रहे हो, सब जान रहे हो, सबका साइज समझ रहे हो? नहीं, हमको काम देना है, हमको काम देना है, हमको काम करना है। चलिए जिसको काम करना है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्या नाम है? इधर आओ, इधर आओ, इनके साथ खड़े हो जरा, तुम अकेले रहोगे तो हवा तेज चल जाएगी। अच्छा बताइए हवा किसकी चल रही है? आपको भाजपा का, भाजपा के। हाँ आप तो बहुत पुराने हो, कितना उम्र हो गया? 70। 70? हाँ। तब तो आप सबको देखे होंगे, तब भाजपा में कहाँ नजर आ रहा है? भाजपा हमारे यहाँ आगे नारायणपुर में आ गई। हाँ वो कह रहे राहुल भैया आ गए। हाँ नहीं भाई, नहीं वो राम प्रसाद पहुँचे, उनके लड़की भैया प्रधान के, वो कांग्रेस ही रहे जो भाजपा कहेंगे। भाजपा को ही दोगे? हाँ है भाई साहब, युवा आप लोग बताओ, आप तो युवा हैं। हाँ, युवाओं के लिए तो राहुल गांधी ने बहुत बड़ा वादा किया है। बस वादा केवल उनका वादा है, यहाँ पर आए वादा नहीं है, कुछ नहीं। 8,500 रुपए महीना, एक साल 1,00,000, 15 साल से वादा कर रहे हैं। 2004, 2009, 2014 क्या कर रहे थे अभी तक? क्या कर रहे थे बताइए हमें? 2009, 2004, 2014 तीन बार सरकार बनी उनकी, तीन बार सांसद रहे यहाँ से, आते हैं जीत के चले जाते हैं बस। अमेठी जनता मूर्ख नहीं है यहाँ पर कि वोट दे उसके बाद चले जाए ऐसे हाथ झुला के जय जयकार करके। वो तो कह रहे हैं अमेठी नहीं, पूरा देश का युवा की बार राहुल गांधी की सरकार चाहता है। नहीं है, कितने सीट पे लड़ रहे हैं वो? 262 सीट पे लड़ रहे हैं, कैसे सरकार बना लेंगे? 262 सीट पे लड़ रहे हैं ना कांग्रेस वाले, तो कैसे सरकार बना लेंगे अपनी? टोटल जो है बंधन से बनाएंगे, नहीं बनेगा ऐसा कि कोई कोई कुछ पार्टियां हो जाएंगी तो भी नहीं बनेगी सरकार। केजरीवाल कह रहे हैं मोदी जा रहे हैं, तुम भी ऐसे 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 आदमी की बात कर रहे हो आप भी। केजरीवाल कुछ नहीं जो है, अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल जी ने कहा कि भाजपा को हम 300 पे रोक देंगे, तो इसका मतलब केजरीवाल को भी पता है कि भाजपा सरकार बनने वाली है। केजरीवाल का कल ही का ताजा बयान है, केजरीवाल ने कहा कि भाजपा को हम 300 पर रोक देंगे, तो आप बताइए केजरीवाल को पता है कि भाजपा की सरकार बनने वाली है, बहुमत आने वाला है भाजपा का?
वो तो कह रहे हैं मोदी प्रधानमंत्री ही नहीं बनेंगे। वो उनको कुछ नहीं पता, वो केवल अभी जेल से आए, अभी ताजा ताजा अपडेट ले रहे हैं न्यूज का, बस उन्हें कुछ जानकारी है नहीं। ताजा न्यूज ले अपडेट। भाई साहब आप बताइए क्या सोच रहे हैं, दिल की तमन्ना? आप यहाँ के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ये भी नहीं बताएंगे, चलिए ये बताएंगे हमारे बाबा बताएंगे। बाबा नमस्कार। बाबा नमस्ते। मैं बाबा थोड़ी हूँ, मैं तो आपका बेटा हूँ। ये बताइए आप लोग पुराने लोग हैं, मोदी की सरकार बनने जा रही है, दुनिया की कोई ताकत उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकता। मोदी को रोक रहे हैं राहुल गांधी, सवाल ही नहीं। स्मृति ईरानी जा रही है, क्या शर्मा रहे हैं? नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। उन्होंने हमेशा के लिए यहाँ पर मकान बना लिया है। दीदी 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 मंदिर बनाया है मोदी जी ने, देश सुरक्षित है मोदी के हाथों। अरे अरविंद केजरीवाल कह रहे मोदी गए, उनके कहने से मोदी जाएंगे? क्यों, नेता नहीं है केजरीवाल? अरे मुख्यमंत्री नहीं है केजरीवाल? जनादेश तो जनता देगी ना, जनता की अदालत में वो सुरक्षित है। अच्छा, लग रहा है काहे जिता रहे हैं मोदी को? अरे मोदी के हाथों देश सुरक्षित है, नहीं पाकिस्तान आ जाएगा, चीन आ जाएगा, जम्मू कश्मीर को कब्जा लेगा जिस दिन मोदी नहीं रहेंगे। रक्षा करेंगे राहुल गांधी? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। रक्षा करेगी ममता दीदी? अरे कुछ नहीं, पहले बंगाल का देख लिए वो का हाल है, अपने घर का देख लिए वो देश का कहा देखी है। रक्षा करेंगे लालू के बेटा? लालू के बेटा पहले तो चार है। अरे सारा परिवार तो जेल में है, वो रक्षा क्या करेंगे? मुर्गी का चारा तक खा गए। कह रहे लालू भैया मोदी गए। मोदी नहीं जाने वाले हैं, मोदी अमर है, अमर है, मोदी अमर है। मोदी मोदी भैया कह रहे मोदी आ गए। मोदी हाँ, मोदी तो आएगा ही, आएगा और क्या। चलिए चलिए, हाँ भैया मोदी आएंगे। और राहुल भैया? पता नहीं उनका, पता नहीं उनका। और ममता दीदी? उनका भी नहीं पता। आएंगे तो मोदी आएंगे। चलिए जनता जनार्दन की राय है, और आखिरकार अमेठी की जनता इस बार क्या करने वाली है, अमेठी की जनता की राय आपने सुनी। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर मेरी राय जरूर रखें। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, अमेठी लोकसभा से।